इलेक्शंस का टाइम है तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? हम लोग इस वक्त टीडीपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। सनत नगर डीजल से पुनः वेंकटेश गौर को जय टीडीपी। తెలుగుదేశం ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగుదేశమే ఇష్టం. మా ఫాదర్ కూడా తెలుగుదేశమే. కూన వెంకటేశ్వర అంటే చాలా ఇష్టం. కూన వెంకటేష్ గౌడ్ గారు గెలవాలని అనుకుంటున్నామండి. కేసీఆర్ గారు బుట్టను ఎత్తిని పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవడమే, ఇది మాత్రం నిజము. उन्हों कौन ले गया आप लोगों को मालूम है? श्रीनिवास यादव ले गया. उन्हों एमएलए बने के बाद अपन का पार्टी छोड़ दे के टीआरएस में जाके वहाँ मंत्री पदवी ले लिया. फिर मेरे सिकिराबैंड से यहाँ चंद्रबाबू नायडू साहब भी जाए, ये इंचार्ज ये सनत नगर का. और जब से मैं करते आ रहा हूँ और बाद में भी दो तीन दफा अपन पदयात्रा करें. यहाँ का मसला मेरे को मालूम है क्या है बोल के. हलो दिन से अपन को है उन लोग नीचे ऊपर करके क्या की पट्टे दिए क्या क्या करे वो कंप्लीट नहीं करे. थोड़ा लोगों को पैसे बना लिए वो सब नहीं. मैं अपन को मेरे को जिताया पर वो जो मसला है उसको परमानेंट क्लियर कर देंगे. वो बहुत मालूम है पक्का वो क्लियर हो जाना. फिर अपन को कभी भी तकलीफ जिंदगी में नहीं होना इस तरह से. उसके बाद से अपन सब लोग बैठेंगे बात करेंगे कैसा करना वो मसला कैसा क्लियर करना वो सब देख लेंगे वो करेंगे. और हम तो पैसे के वास्ते नहीं है आप लोगों को मालूम है. सब लोगों को ये अलाउद्दीन कोटी में मैं लोगों का हेल्प करेंगे उन लोगों का साथ देंगे. एक अच्छा नाम कमा लेने को मैं आया पॉलिटिक्स में. किसको क्या तकलीफ है. फिर एक बार ये इलेक्शन 7 दिसंबर को हुआ बाद आप लोगों का दया से मेरे जीता है तो फिर एक बार बैठ जाएंगे. अच्छा बैठ जाके सब लोगों को क्या क्या जरूरत है अपन क्या क्या कर सकते लोगों को कैसा अपन मजबूत करना है यहाँ का मसले को क्लियर करना है वो सब कर लेंगे. अच्छा भारी मेजोरिटी से पूरा अलाउद्दीन कोटी वाले मेरे जिताना. ये महाकूटमी से मेरे टिकट आया और सिद्धेश रेड साहब भी हमारा भाई है. आज नए 25 साल से मेरा अच्छा दोस्ताना है उनसे. अगर अभी तो शेजर रेड्डी साहब को बहुत बार हो गया असेंबली. ये असेंबली साहब के लिए उतना ये नहीं है. उनका जो माइंड है उनका जो ये है वो सेंट्रल में होना बोल के. अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट आ गए तो उन्होंने मंत्री भी बनते. इस वास्ते शेजर रेड्डी साहब ये महाकुट में है सब लोगों को अच्छा होता. मैं ये स्टेट में रहते साहब सेंट्रल में रहते शेजर रेड्डी साहब सब लोगों का हमारा तेलुगुदेशम का श्रीपति रायेश्वर का साहब के टाइम पे अपन वो कम्युनिटी हॉल बनाए ये शेजर रेड्डी साहब के इसमें बनाए. और जो अलाउद्दीन कोटी का जो असली मसला है वो तो नहीं गया वो अपन करने को उसके साथ कोशिश करेंगे. अलाउद्दीन से बात करेंगे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्या करेंगे सब लोग बैठ के बात करेंगे. अलाउद्दीन साहब के पास जाएंगे नहीं तो गवर्नमेंट सोचता था गवर्नमेंट से कराएंगे. आपके पीछे हूँ आपको फायदा करने के लिए मैं आया हूँ. सब लोग ये करके मेरे अच्छा वोट डाल के आप लोग सब लोग बात करो. तुम मेरा तो मालूम है 10 साल से देख रहे मेरे को. मैं किसको धोखा नहीं करा किसके पास पैसे नहीं लिया. मैं मेरा जेब से 4 लोगों को दिया गरीब लोगों को 250 लोगों को नहीं कैसे तो भी वो भगवान के दया से तुम लोग सब लोग मेरे को वोट डाल के अच्छा बाजी भारी मेजोरिटी से जीता है तो आपके साथ रहे तो आपका सेवा कर ले तो. देखो बहुत बड़ा मसला है अपन का. बेगमपेट मुसलमानों को ग्रेवयार्ड नहीं है. ये श्रीनिवास यादव लास्ट टाइम इलेक्शन के टाइम पे आके
भाई पक्का दो एकड़ दिला तुम बोल के बोले मर उन लोगों को जेल को भी जाए हमारा भाइयों को जेल को भी जाए अभी मैं जेल को गए तो परवाह नहीं हमारा भाइयों को दिला मैं पक्का अपन का मुसलमान भाइयों को बेगमपेट में दो एकड़ स्मशान घाट के लिए अपन दिलाएंगे मैं जेल को गए तो परवाह नहीं वो तोड़ेंगे अंदर जाएंगे हमारा बेटा हमारा बच्चों को जेल को भी जाया मर मैं जातू जेल को और क्या भी हूँ तो ये तो पक्का वायदा है मेरा मैं करा के बता दू और क्या भी हो दो तुम लोगों को क्या भी मेरे से काम होता एमएलए साहब अगर ये साइन करे तो हमारा काम चलता नहीं एमएलए साहब यहाँ को फोन करे तो हमको नौकरी मिलता नहीं ये म्युनिसिपल ऑफिस को एक फोन करे तो होता नहीं तो ऑफिसर को बुला के बोले तो होता एमआरओ को बुला के बुलाए तो साहब बोले तो हो जाता कौन सा भी काम हो दो मेरे से जो होता वो सब लोगों को करके बता दू तुम सब लोग अच्छा मजबूत होना और पॉलिटिकल में भी साथ आना और कुछ आटों का रहता है कुछ क्या भी रहें दो क्या भी गवर्नमेंट स्कीम्स रहें दो आप लोगों के वास्ते मैं आपके साथ रह दू आपका जो भी है काम मैं कर जरूर केसीआर साहब क्या बोलते हैं उसका मर्जी है सर का बात करते वो अच्छा नहीं है वो केसीआर साहब बात करते हैं और श्रीनिवास यादव साहब बात करते हैं श्रीनिवास यादव कहाँ से आया एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू देखे तो उन्होंने मामूली आदमी एमएलए मंत्री तक हो गया मगर उतना हो के नियत खराब नहीं कर लेना हमारा साहब लोगों को फिर एक बार ऐसा गालियां नहीं देना झूठ बात करे तो हम छोड़ेंगे नहीं ऐसा अच्छा नहीं